आज हुई 29th में और अभी टाइम हो रहा है 10:45 और मैं जस्ट उठी हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब मैं लेट उठी हूँ तो मैं 10-11 घंटे सोती हूँ, 10-12 घंटे सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ 6 से 7 घंटे ही चाहिए नींद पूरी करने के लिए। बट हुआ क्या, रात में लगभग 3 बजे सोई थी तो मैं मूवीज़ देख रही थी और बस उसके अकॉर्डिंग 6-7 घंटे कम्प्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ संडेज़ में। एक्चुअली पता है शंपा जी का भी कॉल आ गया था कि भाई संडे 2 ही चीला बचा है, अगर आपको लेने हैं तो आप ले लो, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस मैं ब्रेकफास्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं अगर ब्रेकफास्ट अच्छे से मुझे ना मिले ना तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता और मुझे पूरे दिन इरिटेशन सी होती है, स्पेशली चाय। ठीक है, तो बस इसलिए मैं नीचे गई और मैंने ब्रेकफास्ट अपना ले लिया। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना डे प्लान करते हैं क्या क्या हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। और साथ ही आज एक्चुअली मुझे नोएडा भी जाना है अर्जेंट काम से, बट बाहर आप देखिए कितनी धूप निकल रही है और इसी की वजह से बस मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। एक्चुअली दिस इज़ समथिंग लाइक पोस्टपोनेबल, इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया, अदरवाइज है तो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट। बट मुझे वो 10 जून से पहले कंप्लीट करना है तो मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा नहीं मतलब लगभग 10-11 दिन ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस वो भी कंप्लीट करना है। एनीहाउ खैर जो भी है, मैं क्यों जा रही हूँ नोएडा, किस पर्पज़ से जा रही हूँ, वो भी सारी बातें मैं आपको बताऊँगी जल्दी ही ब्लॉग्स में। सो स्टे ट्यून्ड और अभी कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपना डे प्लान करते हैं। ठीक है, बाय। सो गाइज आई टेकिंग शॉल और कपड़े भी मैंने सारे धुल दिए हैं, बाहर मैंने हैंग कर दिया है यहाँ पर, बस अभी मुझे हेयर ड्राई करने और उसके बाद आई एम ऑल डन। तो एक्चुअली एक इशू ये हो गया, मेरा ना नेल टूट गया यार, मतलब जब तक मैं काम ना करूँ तब तक ठीक है, ऑफकोर्स यार ग्रोथ मतलब रहती है, बट जैसे कुछ भी काम करूँ तो नेल टूट जाते हैं। बहुत बार लोग मुझसे बोलते भी हैं आप तो कुछ काम ही नहीं करते होगे हॉस्टल में तो आपको तो नेल्स इसलिए ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने कपड़े भी धोए थे, बहुत टाइम तक अगर हाथ पानी में रहता है ना तो नेल्स ना सॉफ्ट हो जाते हैं और अपने आप ही टूट जाते हैं। और ये देखिए ये नेल भी यहाँ से गए हैं बिल्कुल कॉर्नर से, अगर ऊपर से जाता तब भी मैं इतना कट करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती, बट पूरा कट करना पड़ेगा और इसके चक्कर में सारे नेल्स गए, तो अभी मेरे दोनों हाथों के नेल्स छोटे छोटे हो जाएंगे और मेरे हाथ ना छोटे लगते हैं यार, छोटे नेल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं लॉन्ग नेल्स रखती हूँ, अदरवाइज़ मेरे हाथ छोटे छोटे लगते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग, तो आई कैंट डू एनीथिंग। अभी मैं सेट हो जाती हूँ, फिर देखते हैं लंच में क्या आता है, और जहाँ तक कि संडे में फ्राइड राइस ही आते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आज वही आया तो मैं बाहर से ऑर्डर करूँगी कुछ, तो अभी देखते हैं। सो मैं अभी अपना ये टॉवल से हेयर ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं लंच में क्या है, अभी तक तो आया नहीं है लंच, अभी टाइम हो रहा है 12:30, 1 बजे तक या फिर 1:15 से 1:30 बजे तक आ जाता है लंच, अब देखते हैं क्या है लंच में। और मुझे नेल्स भी अभी अपने कट करने पड़ेंगे, तो सो गाइस फूड में वही है जो मुझे डाउट था, तो अभी बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, तो अभी मैं अपना फूड ऑर्डर कर देती हूँ और उसके बाद आई विल हैव माय लंच। हे गाइस गुड इवनिंग, सो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं एक्चुअली दोपहर मूवी देखते देखते फिर मैं सो गई थी और कुछ था नहीं, लंच मैंने बाहर से ऑर्डर कर ही दिया था। ठीक है, तो अभी मैं उठी हूँ 5:30 बजे, चाय पानी मैंने सब डन, इवनिंग स्नैक्स सभी कुछ हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 6:30, मैंने पूजा भी कर ली है शाम की दिया बाती। तो एक्चुअली मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ, इतना येलो येलो मौसम हो रखा है, पूरा बादल ऐसे हो रखे हैं और शायद बारिश भी शुरू हो गई हो, पता नहीं, बहुत शोर हो रहा है ये क्योंकि बिल्डिंग बन रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था हमेशा ही शोर होता है, इसलिए मैं गेट को बंद रखती हूँ और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है इससे। तो देखिए बाहर क्या, तो अभी देखिए ये क्या पीला पीला मौसम हो रहा है, शायद कैमरे में ना दिखे मगर बहुत ज़्यादा ये मौसम पता नहीं अजीब ही हो रहा है, बारिश हो चुकी है शायद, हाँ हुई है बारिश, हल्की फुल्की हुई है शायद, अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, स्टार्ट हो जाएगी, हाँ स्टार्टेड हो गई भाई, शुरू हो गई, तो बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, ऐसे बादल तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है बारिश भी अच्छी खासी हो जाए। सो एक्चुअली मुझे कुछ कंटेंट जनरेट करना है अपने दूसरे स्टडी पॉइंट वीडियोस के लिए,
तो मैं तब तक अपना वो वाला काम निपटा लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे शूट भी करने है उस चैनल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिटिन वर्क। यार मैं अपने कपड़े हटाना तो भूल गई, पता चला मेरे बारिश में मेहनत करा रही है। सारे कपड़े सूख भी गए हैं, अच्छा हुआ मौसम इस टाइम पे ख़राब हुआ है, मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं बारिश में, नहीं तो सब भीग जाते। ये देखिए अभी तो और ज़्यादा आंधी तूफान जैसा आने लग गया है, बहुत तेज़ बारिश आएगी आएगी तो मौसम का हाल बहुत ही भयंकर हो चुका है, कभी भी बारिश होने की आशंका है। गेट को मैं लॉक कर देती हूँ, नहीं तो हवा से ये शोर करेगा। बाहर पूरा कलर चेंज हो रहा है। हाँ? आगे बारिश, इस गेट को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि हवा से बार बार खुल रहे हैं, बारिश की छींटे आ रही हैं। ओके डन, ये देखिए बारिश का पानी तो अंदर तक आ गया। मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट तो रेडी कर लिया है, मैंने सारा अपना राइटिंग वर्क कर लिया, ठीक है, तो अभी मैं इसका शूट कर लेती हूँ। तो शूट करने के लिए एक्चुअली मैं एक गैजेट यूज़ करने वाली हूँ, और ये एक न्यू गैजेट है जो मैंने रिसेंटली एक्चुअली इस आईफोन के साथ ही मैंने परचेस कर लिया था। तो दिस इज़ द गैजेट हियर, और मैं इस गैजेट के हेल्प से आज शूट करने वाली हूँ बहुत टाइम के बाद। एक्चुअली मेरे पास दूसरा वाला गोरिल्ला पॉड भी है, बट उसमें ना एक फ़ीचर नहीं है कि भाई हम अपने फ़ोन को बिल्कुल ही टिल्ट कर पाएँ, कैसे भी मतलब वो इतना ज़्यादा एडजस्टिंग नहीं है। सो मैं एक ये न्यू वाला गैजेट यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, और ये काफ़ी सही है। अभी इसको ना मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, मैंने अभी तक ने इसको यूज़ भी नहीं किया, अनबॉक्सिंग नहीं किया, तो चलो हैंड टू हैंड इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, और ब्लॉगिंग भी मैं इसी की हेल्प से कर सकती हूँ। ये सारे इसके एडजस्टिंग फीचर्स हैं कि मतलब किस किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे फोल्ड कर सकते हैं एंड ऑल द थिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल है उस दूसरे वाले गोरिल्ला पॉड के कंपेरिजन में। एक सेकेंड मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा वाला सिंपल एक कॉमन गोरिल्ला पॉड है, इसमें इतना फीचर्स नहीं है, इसको बस हम इसी तरह से होल्ड कर सकते हैं, नथिंग एल्स वी कैन डू इन दिस, बट इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और हम इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो चलो अभी इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फाइनली गोरिल्ला पॉड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज के बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें, तो इसको हम एक बार लगा के देख लेते हैं किस तरह से वर्क करने वाले हैं। सो इसे पता है क्या, दो तरह से इसमें पोर्ट दिया हुआ है कि मतलब हम इसको हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं एंड वर्टिकली, तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। हाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे एक ऐसा स्पेस दिया हुआ है कि हम इसको ना पूरी अच्छी तरह से ना देखिए मैं ऐसे इसको फ्लैक्स कर सकती हूँ। अदरवाइज़ इस वाले में अदरवाइज़ जो पहले वाला था ना बिल्कुल ही सिंपल है, ये मैं इतना ज़्यादा हम फ्लैक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमें ना हमारे पास इसमें ऊपर की साइड ना कोई ऑप्शन नहीं है इसको एडजस्ट करने का, जो भी हमें करना है हमें इस फ्लैक्सीबल स्टैंड की थ्रू ही करना है। अदरवाइज़ इसमें क्या है ना कि हम इधर की साइड से भी ऊपर वाले पोर्शन से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो चलो अभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और इसका भी कुछ तो शायद यूज़ होगा, अभी बस हम यूज़ करते करते प्रैक्टिस करते करते इसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैंने अपना डिनर वगैरह सब कर लिया है। डिनर के लिए भी एक्चुअली मैंने लंच की जैसे बाहर से ही ऑर्डर किया था क्योंकि अभी बनी थी शिमला मिर्च तो वो मुझे नहीं खानी थी, तो बस आज पूरा दिन ऐसे निकल गया बाहर से ऑर्डर करना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग नाउ, और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में। और हाँ दूसरे स्टडी पॉइंट के लिए मैंने वो कंटेंट जनरेट कर लिया है, साथ ही मैंने शूट भी कर लिया है, पोस्ट भी कर दी है वीडियो, तो समय आने पर उस चैनल के बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी। एक्चुअली ओवीजी स्टडी पॉइंट इससे हटकर एक और चैनल है, तो उसके बारे में टाइम आने पर बताऊँगी, अभी नहीं मैं बता सकती हूँ। इस व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।